अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप के ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपने घर के कुछ हिस्से दिखा रही हूँ, मतलब मेरा डाइनिंग एरिया, इसके अलावा लिविंग रूम, ड्रेसिंग टेबल। ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है, इसे मैंने ऑर्डर पे बनवाया था। तो इसको थोड़ा मैंने जैसे नॉर्मल ड्रेसिंग टेबल होते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा बनवाया है, क्योंकि मुझे कुछ स्पेस चाहिए थी बच्चों के कपड़े रखने के लिए। आपको पता है छोटे बच्चों के कपड़े तो बहुत मुश्किल होता है स्पेस मिलना अलमारी वगैरह में, तो इसलिए मैंने फिर इसको ऑर्डर पे बनवा लिया। और इस तरह से इसमें मैं अपनी छोटी बेटियों के कपड़े रखती हूँ और बाकी मेकअप वगैरह का सामान। और ये मेरा बेड है, इस पर मैंने अपने कपड़े रखे हुए थे जो कि मैंने स्टिचिंग के लिए देने हैं। ये दूसरे रूम का बेड है। सर से थोड़ा थोड़ा मैं आपको अपने घर का एरिया दिखा रही हूँ। और ये है हमारा ड्राइंग रूम प्लस गेस्ट रूम, क्योंकि हमारे अक्सर गेस्ट ऐसे होते हैं जिन्होंने नाइट स्टे करना होता है, तो हमने गेस्ट रूम में एक सिंगल बेड भी रखा हुआ है, साथ सोफा है। तो ये हमारा सिंपल सा गेस्ट रूम है, आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। सिंपल रखा है बिल्कुल, ज्यादा बच्चों की वजह से डेकोरेशन वगैरह के पीस इतने मैं नहीं रखती। और ये है हमारा डाइनिंग एरिया, ये फातिमा सेवैया एंजॉय कर रही है। और ये है किचन, किचन में मैं बीफ पुलाव की रेसिपी बना रही थी, तो जो मैं अभी आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करती हूँ। और कुकर पे गोश्त रखा हुआ था गलने के लिए, तो अब बीफ पुलाव की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 पाव बीफ ले लिया है, बड़े का गोश्त, और इसे मैं गला लूंगी कुकर में। तकरीबन मैंने इसे 25 मिनट के लिए गलाया है। 2 मीडियम प्याज ले लिए मैंने और उन्हें स्लाइस में काट लिया है, और इसमें 1/2 कप ऑयल डाल दिया। जब प्याज का पानी ड्राई हो गया तो उसके बाद फिर इसमें मैं साबुत गरम मसाला ऐड करूंगी, जिसमें 1 टीस्पून सफेद जीरा है, 1 टीस्पून काला जीरा, 2 तेज पात, 1 टेबलस्पून काली मिर्चें, 3 बड़ी इलायची काली वाली, 10-12 लौंग और छोटी सी थोड़ी सी 7-8 स्टिक्स दालचीनी की। ये इसमें मैं साबुत गरम मसाला ऐड कर दूंगी और प्याज को मैं गोल्डन फ्राई कर लूंगी। तकरीबन गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है प्याज को। इस स्टेज पर गरम मसाला ऐड करने से चावलों में अच्छी खुशबू आती है, तो मैं इसे चावलों प्याज को अपने तकरीबन मीडियम फ्लेम पे ना गोल्डन ब्राउन करना है, इससे क्रिस्पी होते हैं और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है इसका। और साथ ही मैं इसमें फिर 2 हरी मिर्चें इसको काट के डाल दूंगी, इससे भी चावलों में बहुत जबरदस्त खुशबू आती है। तो हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट 1/1 टीस्पून ऐड करूंगी और 2 मीडियम टमाटर स्लाइस में कटे हुए ये ऐड करूंगी। यानी अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है, इसे 1 से 2 मिनट मैंने फ्राई करना है, जब तक ये अदरक लहसुन की अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तब तक इसको फ्राई करके उसके बाद फिर मैं इसमें जो टमाटर है वो ऐड कर दूंगी। लहसुन फ्राई हो चुका है, अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर ऐड करने के बाद इसे हम इतना पकाना है कि टमाटर अच्छे से गल जाए और हमारा जो है एक स्मूथ हमारे पास मसाला तैयार हो जाए। देखिए टमाटर गल चुके हैं और मसाला भी तैयार हो चुका है, अब इसमें मैं मसाले ऐड करूंगी, जिसमें है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून और 1.5 टेबलस्पून नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया वो ऐड करूंगी मैं, और इसको अच्छा सा भून लूंगी मसाले को। मिर्चें आप कम ज्यादा कर सकते हैं, मेरी फैमिली जो ज्यादा तेज मसाले मतलब मिर्च मसाला नहीं खाती, दरमियाना हम लोग खाते हैं, तो मैंने मिर्चें 1 टेबलस्पून डाली है वो भी कुटी हुई। आप पाउडर भी डाल सकते हैं या ज्यादा भी कर सकते हैं।
मसाले डाल के मैंने इसको भून लिया अच्छा सा। अब ये देखिए गोश्त भी गल चुका है बहुत अच्छा जबरदस्त किस्म का, तो अब मैं इसमें गोश्त ऐड कर लूंगी और फिर गोश्त को मसाले के साथ भून लूंगी ताकि सारे जो फ्लेवर्स हैं वो गोश्त में शामिल हो जाए। गोश्त मैंने 3 पाव लिए, आप आधा किलो भी ले सकते हैं। चावल मैंने आधा किलो लिए, तो गोश्त तो मर्जी होती है, ज्यादा कम आप कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा गल गया है गोश्त। इसे अब हमने अच्छा सा फ्राई कर लेना है और मसाला तैयार कर लेना है चावलों का। देखिए गोश्त को मैंने फ्राई कर लिया, अच्छे से मसाला इसमें मिक्स हो गया। अब चावलों के लिए जो हमारा मसाला है वो रेडी हो चुका है, तो फिर अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। ये जो मैंने गोश्त बॉयल किया था उसकी यखनी है 1 कप, तो ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया, जो अभी मैंने कप लिया था ये मैंने 2.5 कप लिए हैं, तो इसका डबल पानी डाला जाता है। तो मैंने 5 कप नहीं डाले क्योंकि मैंने आधा घंटा चावल भिगोए थे, तो मैंने 4 और फिर आधा 4.5 कप डाले, पूरे 5 कप नहीं डाले ताकि ज्यादा ना गल जाए। अगर आप 15 मिनट चावलों को भिगोते हो तो फिर आप पूरे 5 कप भी डाल सकते हैं। जितने चावल होते हैं उसका डबल पानी ऐड किया जाता है। तो मेरे चावल 2.5 कप थे तो 5 कप डालने थे, लेकिन मैंने आधा कप छोड़ के और फिर इसमें पानी ऐड किया। अब इसमें मैं जो भीगे हुए चावल थे वो ऐड कर रही हूँ। चावलों को मैंने अच्छा सा वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। जब मैंने मसाला बनाना स्टार्ट किया तो साथ ही फिर मैंने चावल भिगो के रख दिए थे। चावल को ऐड करके आपने बिल्कुल हल्के हाथ से इसको चम्मच को चलाना है, नहीं तो फिर चावल टूट जाएंगे। तो आपने हल्के हाथ से इसको मिक्स करते जाना है जब तक कि पानी ड्राई नहीं हो जाता। जब तक चावलों का पानी ड्राई हो रहा है साथ साथ किचन काउंटर की सफाई भी कर लेते हैं, इससे जरा किचन क्लीन रहता है। इस तरह से साथ साथ समेटते रहे तो फिर किचन साफ सुथरा रहता है, ज्यादा फैलावा भी नहीं होता, ज्यादा काम भी नहीं बनता। साथ साथ फिर स्टोव भी साफ कर लेते हैं तो इससे काम जरा कम हो जाता है। फिर जब तक पानी ड्राई हो रहा है साथ साथ ये काम हो जाएगा। ये देखिए पानी तकरीबन ड्राई होने वाला है। हल्के हाथ से आपने इसको हमेशा चम्मच चलाना है, हल्के हाथ से चलाने से ना चावल टूटते नहीं है। इसको मैं मिक्स कर लूंगी और मिक्स करते रहना है, एक ही जगह छोड़ना नहीं है ताकि सारा फ्लेवर जो है वो सारे चावलों में हो। अब देखिए पानी खुश्क हो गया और बबल जब बनना स्टार्ट हो तो फिर इसको ना कवर करके दम पे लगा देते हैं, तो इससे भी चावल खिले खिले चावल बनते हैं। देखिए हमारा दम आ चुका है चावलों को और मजेदार बीफ पुलाव रेडी है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। मैंने बासमती चावल इसमें यूज किए थे, आप सेला भी कर सकते हो, बस उसे 1 घंटा या 2 घंटा आपने उसको भिगो देना है। ये बाकी बहुत मजे का बना था, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और चावलों के बाद फिर मीठे की क्रेविंग तो होती है, तो फिर हमने बनाया फ्रूट चाट। इसमें मैंने 5 फ्रूट यूज किए, सेब है, केला है, अंगूर है, अमरूद है, अनार है। इसमें 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला पाउडर डाला है जो कि फ्रूट चाट मसाला होता है, और 1 टेबल स्पून चीनी डाली है, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने जामुनश्री डाली है। और इसको इतना अच्छा सा मिक्स करना है कि जो चीनी है ना वो अच्छा सा सारे फ्रूट्स के साथ लग जाए और मिक्स हो जाए। और फिर इसमें हम लोग बलाई भी ऐड करते हैं, कुछ लोग क्रीम ऐड करते हैं, मैं घर की जो ताज़ा बलाई होती है वो ऐड करती हूँ, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो फिर मिलेंगे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।